के खरीदे हैं 90 रुपए में। CSC दिखाइए, 90 रुपए में ठीक खरीदा इन्होंने। देखिए, जहां पर पावर क्षेत्र में जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है, टाटा पावर जैसे स्टॉक है, वहां पर निवेश करना ज्यादा, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक बार चार्ट को या तो फंडामेंटली समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा। सीएससी जैसे स्टॉक जो कंसोलिडेशन के दौर में है, जहां पर ट्रेंड क्लियर नहीं है, हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ट्रेंड बेरिश है, लेकिन कंसोलिडेशन दिख रहा है। टाटा पावर में जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश बना हुआ है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी, मैं ये नहीं बोलूंगा 10,000 क्वांटिटी आप सीएससी से टाटा पावर में चले जाए, लेकिन अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लें इन्वेस्टमेंट को, सीएससी से थोड़ी क्वांटिटी निकाल के टाटा पावर में शिफ्ट हो जाए, वो बेहतर आइडिया है। ओके, एक और सवाल आ जाए। तो कौन सी रहेगी आपकी फेवरेट पिक? लंबी अवधि के लिए आपको बिजली के ऊपर जाना चाहिए, और बिजली यानी टाटा पावर, बिजली की तरह स्टॉक भागता है और कंपनी का परफॉर्मेंस फंडामेंटल सब बेहतरीन। अगर देखा जाए अभी रिन्यूएबल एनर्जी की स्टेक सेल, हालांकि बाजार ने उसको बहुत सही रूप से नहीं देखा क्योंकि वैल्यूएशन आका गया थोड़ा सस्ता, तो मैं मानता हूं कि टाटा पावर पे यहाँ पे इस लेवल्स पे 259 के करीब है, यहाँ पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1,000 EV स्टेशन तो जरूर हो चुके हैं। ये क्वार्टर के नतीजों में आप देखेंगे कि कुछ नहीं तो 2,000-2,500 के ऊपर के ईवी स्टेशन बन चुके हैं। तो मुझे लगता है टाटा पावर जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सारे रूप से, इस पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट आपको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए 316 का, 316 का टारगेट रखना चाहिए, 259 के आसपास के प्राइस है। मैं मानता हूं टाटा पावर बेहतरीन स्टॉक हो सकता है ये पूरे श्रेणी। तो लंबी अवधि की खरीदारी के लिए टाटा पावर है सिद्धार्थ सिडानी की पसंद।